गुरु प्यारियो, फतेह नाल सांझ पाओ जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज दे इस लेक्चर का मुख प्रयोजन है कि अपने सिखी विरसे दे नाल मुड़ के जुड़िया जा सके। वो सिखी विरसा जो बहुत महान सी, उस तो अज का नौजवान अवेसला हो रहा है। साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह, साहिबजादा फतेह सिंह सूबे की कचहरी के विच सूबेदार के सामने खड़े हुए हैं। एक पासे सूबा सरहंद, वो अपना विरसा दस रहा है कि मेरा विरसा कितना बड़ा है। मैं तुहानू कतल कर सकता हाँ, मैं तुहानू छड़ सकता हाँ, मैं तुहानू ऐश वर्ज दे सकता हाँ। ते दूजे पासे साहिबजादे 7 ते 9 साल की उम्र के सूबा सरहंद नू अपने विरसे बारे इस तरह दस रहे हैं। एक पासे सुल्तानी डट गई, एक पासे कुर्बानी डट गई। मेरा विरसा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है मेरा विरसा। गुरु नानक दे हक दा नारा अजे हवा विच गूंज रहा है, अजे हवा विच बोल रहा है। जंज पाप दी अज भी सुन के बाबर जाबर डोल रहा है। गुरु अर्जन दे रस दे छाले, गुरु अर्जन दी टलदी चरबी, गुरु अर्जन दी सड़दी चमड़ी, ए भी मेरे विरसे विच ने। ए विरसा अनमोल है मेरा, ए विरसा बेतोल है मेरा। एक एक रिश्ता छाला फट के कई क्रांतियां जम सकता है, इनकलाब कई लिया सकता है। ढलदी चरबी दा एक तुपका सारा जग रुशना सकता है, मोया ताई जिमा सकता है। ए विरसा अनमोल है मेरा, ए विरसा बेतोल है मेरा। तेग बहादुर दिया रत बूंदा, चौंक चांदनी अंदर डुलिया, ए भी मेरे विरसे विच ने। मेरे विरसे विच ने सजना ओ खंडे दिया अमृत बूंदा, जिसनू पी के टुट पईया सन चिड़िया तकड़े पाजा उते, जिसनू पीपी कीर्ति चपटे तख्ता उते ताजा उते। ए विरसा अनमोल है मेरा, ए विरसा बेतोल है मेरा। इस विरसे दे असी वारिस हाँ। भाई कान सिंह नाभा विरसे दे अर्थ करता है जद्दी जायदाद साढ़े अधिकार, पर अज असी इस विरसे नू छड़दे जा रहे हैं। सिखी विरसे दी जड़ी महान विलक्षणता है, वो है सिख धर्म दी न्यारी विचारधारा। सिख धर्म दा अदुत्ती लासानी इतिहास ते सिख धर्म दा अमोलक सभ्याचार, जिसकी मिसाल दुनिया दे किसी भी धर्म दे विच नहीं मिलती। इन्हां तिन्हां पक्खां दे उत्ते विरसे दी वंड कीती जा सकती है। सब तो पहला गुरु नानक साहब की जिहड़ी विचारधारा है, विलक्षण विचारधारा, ऐसा धर्म सानू बख्शिया जो सारी दुनिया का धर्म है। सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल करम, ऐसा धर्म सानू बख्शिया। जेड़ा दूजा पक्ष है वो है कि सिख धर्म का इतिहास कुर्बानियां का इतिहास है, अदुत्ती ते लासानी कुर्बानी। गुरु नानक पातशाह ने, जे आपां पहले पक्ष वल मुड़िए, गुरु नानक पातशाह ने ऐसा धर्म सानू दिता, जेड़ा धर्म उन्होंने सानू दिता ते प्रचारिया, उसकी मिसाल किसी भी दुनिया के कोने दे विच नहीं मिलती। वो कहिंदे सन जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तरी गली मेरी आओ, इत मारग पैर तरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। जदों उन्होंने प्रचार आरंभ किया तो सब तो पहला भाई लालो की कुली नू भाग लाए। जे ओ शहनशाह चुमदा ना खुद लालो दी झुग्गी नू, किसे मजलूम दे दिल विच कदे भी दीप ना जगदा। भाई लालो नू
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਬਣਾਇਆ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਏ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੀ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭੋਜਨ ਉਹਨੂੰ ਟੁਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਲਕ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਕੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਦ ਬੀਜ ਦਿਓ ਸੂਲਾਂ ਵੀ ਉੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੰਡੇ ਵੀ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੂੰਗਾ ਹੈ, ਪਾਸਕੂ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਾਈ ਦਸਾਂ ਨੂਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਠੁਕਰਾਇਆ ਤੇ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਸਕੂ, ਉਹ ਠੂੰਗਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਤਕੜੀ ਨਾ ਵੇਖ, ਪਾਸਕੂ ਤਕੜੀ ਚ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਨੀਅਤ ਚ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀ ਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਇਹ ਬਾਬਰ ਵਰਗੇ ਜਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ੁਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਾਇੂ ਵਰਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਘਾਈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਟਕਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਘਾ ਦੀ ਪੰਡ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਝੂਠੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਨਿਵਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਐਸੀ ਨਿਰਭੈਤਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਉਹ ਨਿਰਭੈਤਾ? ਐਸੀ ਨਿਰਭੈਤਾ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੋਮੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋ, ਜਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਗੋਗੇ ਤਾਂ ਹੜ ਲਿਆ ਦਿਓਗੇ। ਲੱਕੜ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿਹੀ ਤੀਲੀ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਜ਼ਾ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸੀ ਨਿਰਭੈਤਾ ਸੀ, ਐਸੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਲਈ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਚਾਂਦਨੀ ਦੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਬਲਿਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣਾ ਹੈ ਆਜ ਮਕਤਲ ਮੇ ਹਮਾਰਾ ਇੰਤਹਾ ਹੋਗਾ, ਇਧਰ ਗਰਦਨ ਝੁਕੀ ਹੋਗੀ, ਉਧਰ ਖੰਜਰ ਰਵਾ ਹੋਗਾ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਚੌਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇਖਿਓ, ਵਿਰਸਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਝਟਪਟ ਉੱਠ ਕੇ ਵਿਆਹ ਤੈਸੀ ਗੁੰਦੀ ਅਸਾਂ, ਝਟਪਟ ਉੱਠ ਕੇ ਵਿਆਹ ਤੈਸੀ ਗੁੰਦੀ ਅਸਾਂ, ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਦਾ ਸ਼ਰਿਆ ਤੋੜਿਆ ਗਰੂਰ ਹੈ, ਮਾਰ ਕੇ ਚਪੇੜ ਆਉਂਦੇ ਬੂਥੇ ਉੱਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਜਲਾਇਆ ਧੜ, ਅਸੀਂ ਆ ਲਿਆਏ ਸੀਸ, ਆਏ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਰੇਟੇ ਹਾਂ। ਕੋਟ ਕੋਟ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆ। ਖਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਧੜ ਦਾ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੀਸ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮੁਗਲਾਂ ਚ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਸੀਸ ਕਿਧਰ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਖਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੱਦਲ ਨੇ ਕੜਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਢੂੰਡਦੇ ਲੋਕੋ, ਹੁਣ ਧੜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ।
रब जाने केड़ी मिट्टी दे बने हो सिख सन। एक अपने घर नूं अग ला के गुरु दे घर दा संस्कार कर रहे हैं तां जो गुरु दा सत्कार कायम रह सके। ते एक असी हाँ, साडे आगू हन, अपने घर की खातर अपन पत्नियों की खातर असी सिख धर्म नूं विसार बैठे हाँ, गवा बैठे हाँ, सिख धर्म की आन ते शान नूं वट्टा ला बैठे हाँ। जदों सीस लेके आए तो उत्थे बाल गोबिंद राय जी ते माता गुजरी, माता गुजर कौर जी, इन्होंने सीस खून विच लथपथ होया वेख्या। तो माता गुजरी घबराई नहीं, उन्हें किरने नहीं पाए, रोई नहीं, सगो क्या पातशाह पातशाह तुहाडी निभ गई, मेरी भी निभ आए। ऐसी चढ़दी कला वाली सिंगरियां सन। फिर सीस गंज के अस्थान के उत्ते गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह ने खड़े हो के सिख संगत को मुखातम हुंदिया कहा सी, ऐ मेरे सिखो, गुरु दे प्यारो, श्रद्धालुओ, मैं तुहाडे चो ऐसा ईमान पैदा करांगा जो हिमालय नाल जाके कद मापण अपना बांकड़े मरजीवड़े इंसान पैदा करांगा। पिठ मेरी देह दिता थापड़ा करतार ने, बुझ दिली दी जिंदगी नू बदल देवांगा जरूर। मैं विदेशी ताकतां दे नाल करके टाकरा हैकड़ा दा शरियाम तोड़ देवांगा गुरूर। मैं के जिसदा धर्म ही इंसाफ ते इंसानियत है, आज करता हा खुले ऐलान ए प्रतिज्ञा, साम्राज्य ते विदेशी ताकतां दा मुगल राज मेरे हथों मार खा के टिकिया के टिकिया। लोड है इस वक्त मैनू शस्त्रां दी प्यारे हो, जालमा दे हाथ चो तलवार खोके तोड़िए, जो चढ़ाइया हैं साडे सिरां ते ना भाजियां, आओ हथो हथ देओ नकदो नकदी मोड़िए। फिर गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने 1699 ईस्वी दी विसाखी वाले दिन खालसा साजिया, अमृत का बाटा तैयार होया। ओए मथे रगड़ते मर गए, डंडौता करते थक गए, धौणा नूं चुक के तुरनगे, एक बूंद भी जे छक गए। ते जिन्हां बुलबुलां ने इस अमृत की बूंद नूं चखिया उन्हां ने शेरां दे दंद खट्टे कर दिते। कवि कहिंदा है, तेरे खंडे दी पौल दी ए बरकत, तेरे खंडे दी पौल दी ए बरकत, बुलबुल शेर दे दंदां नूं इउं टुक गई। फिर जदों अमृत दा बाटा तैयार होया, सबने अमृत पान कीता, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे अमृत ने ऐसी फौज तैयार कीती, ऐसे मरजीवड़े सिंह पैदा किते जिन्हां ने हकूमत दे नाल अनेकां जंगां लड़ियां। सब तो अखीरली जंग ध्यान नाल सुनियो, सब तो अखीरली जंग आनंदपुर साहिब दे किले नूं जदों घेरा पाया गया, सारा रसद पानी खत्म हो गया, तां भाई रतन सिंह पंगू लिखदा है, चार सिंह पानी को जावे। ये मैं अपने विरसे दी गल कर रही हां। की विरसा सी साडा, अज की रह गया? चार सिंह पानी को जावे, दो जूझे दो पानी लियावे। चार सिंह जांदे सन, दो पानी लेके आंदे सन, दो शहीद हो जांदे सन एक बाल्टी पानी दे लई। महसूस कर रहे हो? चार सिंह पानी को जावे, दो जूझे दो पानी लियावे। ऐसी निरपैता सी, ऐसी चढ़ती कला सी, ए सी साडा विरसा। अज असी किस गल दे उत्ते लड़दे हां? मैनू जथेबंदी मिलनी चाहीदी है, मैनू जथेदारी मिलनी चाहीदी है, मैनू ये पदवी मिलनी चाहीदी है, मैनू प्रधानगी मिलनी चाहीदी है। असी इस गल दे उत्ते नहीं लड़दे कि सानू सेवा मिलनी चाहीदी है, धर्म दे कारज वास्ते नहीं असी लड़दे, असी जथेबंदियां लई लड़दे हां, असी जथेदारियां लई लड़दे हां। फिर सरसा दी जंग हुई,
चमकौर दी जंग, एक पासे चाली पुखण पाने सिंह, कहा वीर चाली शुदावंत पारे, कहा एक नौ लाख आए हकारे। एक पासे चाली पुखण पाने सिंह, दूजे पासे दस लाख फौज, पर सिखा ने दर्शा दिता कि सवा सवा लख वाली जेड़ी गल है वो सिखा दे उत्ते इन बिन लागू होंदी है। फिर जदों बाबा बंदा सिंह बहादुर का समा आया नंदेड़ दे विच, जदों गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ओदे डेरे दे उत्ते गए, तां बाबा बंदा सिंह बहादुर ने पुछया तुसी कौन हो, तां गुरु साहिब कहण लगे अपने अंदर छाती मार, तुसी गुरु गोबिंद सिंह हो। ते गुरु साहिब कहंदे तू कौन है, मैं आप जी दा बंदा हां। ओ भलिया फिर बंदिया वाले काम करया कर। फिर गुरु साहिब ने जद ओदे सीस दे उत्ते हाथ रखिया, ओनू सारा इतिहास दस्या किवें आनंदपुर दी जंग होई, किवें सरसे दी जंग, किवें चमकौर दी जंग, किवें सरहंद दी जंग दे विच छोटे साहिबजादे शहीद किते गए। उसका खून खौल उठिया, वो कहण लगा दिल विच अग मेरे अखियां च खून है, दिल विच अग मेरे अखियां च खून है, सिर विच मेरे अज होर ही जनून है, जग ते ना रहेगी हुण गल कोई ओपरी, मैं पैरा हेठा रोलनी वजीर खां दी खोपरी, मैं दिल विच वसा के तस्वीर खूनी कंध दी, मैं इट नाल इट खड़कौनी सरहंद दी। फिर उन्ने सरहंद ते फतेह हासिल कीती। सरहंद ते फतेह हासिल करन तो मगरों जदों गुरदास मंगल दी कड़ी दे विच घेरिया जांदा है, 740 सिंघां दे नाल वो बन के लियाया जांदा है, तो फरुखशियर वो पुछदा है सब नूं, मैं सुनिया है तुहाडे विच कोई बाज सिंह नाल दा सिंह है। तो बाज सिंह कहंदा हां जी मैं ही बाज सिंह हां। वो तेरी हुन बहादुरी किथे गई? बाज सिंह कहंदा मेरे हथखड़ियां खोलो जरा, मेरे संगल खोलो, मैं हुन भी तुहानू अपनी बहादुरी दे जोर दिखा सकदा। तां उहदे जदों संगल खोले गए, हथकड़ियां खोलियां गईआं, उह अजे पूरियां नहीं सन खुलियां, उहने अद्धियां खुलियां हथकड़ियां दे नाल ही दो तिन बंदे पार बुला दित्ते। ऐसी चढ़दी कला सी। ते सानू सिकंदर ते पोरस बारे तां बहुत पता वी बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, सानू ए नहीं पता कि फरुखशियर ने बाबा बंदा सिंह बहादुर नू पुछया सी कि बोल बंदा सिंह तेरे नाल की सलूक किता जाए। तो बंदा सिंह बहादुर जी ने कहा सी कि मैनू ओ मौते मार जेड़ी मौते तू आप मरना चाहना है। इस निर्भयता दे सरदार ने किन्ने फकर दे नाल ए शब्द मुहो कटे सन, फरुखशियर मेरे तन दे टुकड़े ए फड़ अपने तखत ते जड़ ली, लाल मेरे दा लाल कलेजा ए फड़ अपने ताज चमड़ ली, मेरी खल भी सांभ के रखी इस दी तैनू लोड़ पवेगी, मुगल राज दी अर्थी उत्ते मेरी खलड़ी कफन बनेगी। इस घटना तो बाद सिखां दे उत्ते ऐसा सख्ती दा दौर आया, नसलकुशी कीती जान लगी, सिरां दे मुल रखे गए, घर घर ढा दिते गए। पर फिर भी जेड़े उस समय दे साडे सिख आगू सन, उन्हां ने उस दुर्वारी दे समय दे विच भी सिख कौम नूं सुरजीत रखिया, चढ़दी कला दे विच रखिया, ढहंदी कला नहीं आण दित्ती। उस समय दे योद्धे निर्भयता वाले योद्धे सन, नवाब कपूर सिंह जी वर्गे, सारा शरीर छलनी छलनी होया पिया, जख्मां दे नाल भरिया होया है, पर फिर भी मैदाने जंग दे विच ओह भज्जे नहीं आन, ओह पंजां प्यारियां दे विच अमृत प्रचार करिया करदे सन, घोड़ियां दी लिद सुटदे सन, सेवा ते सिमरन दे मुजस्मे सन। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਕੌਮ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਸਿਰੇ ਦਾ ਉਹ ਆਪ
पंजा प्यारियां दे विच शामिल हो के जत्थेदारी दे रूप दे विच अमृत प्रचार कर रहे हैं। आज है के साडे इदां दे आगू जिन्हां आगूआं दे पिछे असीं लगे फिरदे हां किदां दे ने ओह, ते पहले वाले जिहड़े आगू सन ओह किदां दे सी। उन्हां ने नवाब कपूर सिंह जी ने अपना जानशील आगू अपने भतीजे नूं छड के जस्सा सिंह आलूवालिया नूं बनाया, ते इन्हां आगूआं दी अगवाई दे विच ही इन्नी चढ़दी कला रही है। जदों छोटा घल्लूघारा होया 7,000 सिख शहीद होए, वड्डा घल्लूघारा होया 25,000-30,000 सिख शहीद होए, 1762 विच वड्डा घल्लूघारा हुंदा, 1763 दे विच कसूर फतेह कीता जांदा, 1764 दे विच जैन खान नूं मार के सरहंद उत्ते कब्जा कर लिया जांदा है। हैरानी दी गल है, 25,000-30,000 सिख, इस तों वध सिख शहीद होए होण, ते 2 साल दे विच विच सरहंद ते मुड़ फतेह प्राप्त कर ली, कमाल होगी। 1737 तों 1788 तक 51 साल बनते हैं, 51 साल, ते इन्हां 51 सालों दे विच 52 वारी दिल्ली लुटी गई, कुटी गई, लताड़ी गई, उजाड़ी गई, 15 तों वध वारी सिखां ने आप इसनूं अपने पैरां दे थले, अपने घोड़े दियां सिम्मां दे थले लताड़िया। 5 मार्च तों 8 मार्च 1783 नूं सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया, सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया, सरदार बघेल सिंह ते राय सिंह भंगी, इन्हां दी सरदारी हेठां दिल्ली दे उत्ते 40,000 सिंघां ने धावा बोलिया। 3 दिनां दे विच विच लाल किला दिल्ली दा जिहड़ा, उहदे उत्ते लाहौर दा कब्जा हैगा सी, ते 3 दिनां दे विच विच उहनां ने लाल किले दे उत्ते कब्जा कर लिया। केसरी निशान साहिब चलाया गया, वह बादशाह शाह आलम उन्हें लड़ना तो की सी, टाकरा तो की करना सी, वह तो अंदर वर के लुक गया, मुड़ के अपने राज दी ते अपनी जान दी भीख मंगदा फिरे। वह दीवाने आम जिस उत्ते कदी शाहजहान बैठिया करता सी, कदी बहादुर शाह बैठिया करता सी, कदी औरंगजेब बैठिया करता सी, जिस उत्ते बैठ के फरुखशियर ने 740 सिंघां नूं बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं शहीद करन दे हुकम दित्ते सन, अज ओ धरती, ओ लाल किले दी जमीन, ओ दीवाने आम खालसे दे पैरां दे हेठ सी, उहनां ने जित प्राप्त कर ली सी। ते उसे धरती दे उत्ते बैठ के 5 सिंघां ने गुरमते कीते, सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया नूं सुल्तानपुर दा खिताब दित्ता गया। जेड़ा बहादुर शाह दूजा सी, वो आया अपनी जान दी भीख मंगे, तो मैनू छड़ दिओ, मैनू छड़ दिओ। अज असी दिल्ली वाली वेखदे हां, ये उही दिल्ली सी जिदे ते खालसे ने जित प्राप्त कीती सी, ते अज दे आगू असी हां, असी दिल्ली वाली देखदे हां, साडी नीयत दिल्ली वाल ही हुंदी है। असी अपना इतिहास भुल गए हां, अपना विरसा विसार बैठे हां। छोटे साहिबजादियां ने तां कहता सी, असां नीहां दे विच आपा चनाउणा इस लई खाना, मता समझे के बालक अज तवी ते रड़ नहीं सकदे, असां नीहां दे विच आपा चनाउणा इस लई खाना, मता समझे के चन मसिया दी राते चढ़ नहीं सकदे, जिन्हां नाड़ां च अर्जन देव दा लहू दौड़दा है अणखी, मता समझे के बालक अज तवी ते रड़ नहीं सकदे, जिन्हां कलियां दी नस नस विच महक गुरु तेग दे तपदी, ओ पोते ना समझी जुल्म अगे खड़ नहीं सकदे, जिन्हां सिरखी दे मैखाने चो पीते जाम खंडे दे, ओ रिंद मर के भी गैरां दे मैखाने वड़ नहीं सकदे।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਅਸੀਸਾਂ ਗੁਜਰੀ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹ ਗੁੰਚੇ ਆਪਣੀ ਟਹਿਣੀ ਤੋਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਝੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੈਣਾਂ ਚ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲਾਲੀ ਏ ਕਦੇ ਉਹ ਤੀਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਕਮਾਨੇ ਚੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਕਮਾਨ ਦੇ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਅਗੋਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦਮ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਚੱਟਦੀ ਚੁੰਮਦੀ ਹੋਈ ਕਮਾਨ ਕੀ ਜਾਣੇ ਕਿਸ ਦੀ ਬੁਜ਼ਦਲੀ ਦੇ ਪੱਥਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਣਗਿਣਤ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰਜੀਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਡੋਲ ਰਹਿਣਗੇ ਯੂਨਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੂਜੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿੰਨੇ ਜਥੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਫੁੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਦੀ ਰੱਤ ਪੀੜ ਵਾਲੇ ਉਹ ਫੁੱਟ ਚੰਦਰੀ ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡਾ ਆਲਣਾ ਅੱਗ ਜਲਾਏਗੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਪਰਾਂ ਤੇ ਤਰੇ ਸਾਗਰ ਉਹ ਲਹਿਰ ਗਾਗਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਡੁਬਾਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੌਤ ਮੰਗਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਲਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਫੁੱਟ ਦੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਫੁੱਟ ਦੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਆ ਅੱਧੇ ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਆ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਆ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿਰਸੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਝਾਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਜਾਏ ਫੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਖਾਂ ਜੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ